तो आज बनाने जा रहे हैं हम लोग ये खूबसूरत से वेंचम। वीडियो प्लीज़ स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा बगैर स्किप किए बगैर। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगी चंगे भले होंगे। तो आज आप लोग देख रहे होंगे ये वीडियोस में मैं क्या बीड्स वगैरह दिखा रही हूँ, शॉल वगैरह दिखा रही हूँ। तो देख के आपको कुछ समझ आ ही गया होगा थोड़ा बहुत कि आज हम कुछ बनाने जा रहे हैं इन बीड्स के साथ और शॉल के साथ। तो आज हम लोग बना रहे हैं वेंचम बना रहे हैं हम लोग आज। तो यहाँ पे लाइट जा चुकी है, अभी एक मिनट रुक जाए। वो एक्चुअली मैं सॉरी क्या कहते हैं वॉइस ओवर कर रही थी तो उस वक्त लाइट चली गई थी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मैंने कुछ सामान ले लिया है और ये एक रिंग लिया है, ये जोया के टॉय का रिंग था तो मैंने इससे वो एक रिंग लिया। घर में ही कुछ चीज़ें पड़ी थी तो मैंने वो सारी चीज़ें निकाल ली, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमने सोचा मैंने और मेरी जोया ने कि आज हम लोग कुछ बनाते हैं शॉल का। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक रिंग और इसके बाद मैंने लिया था एक वाइट कलर का धागा, उसको मैंने फोल्ड कर लिया था 4 से 5 दफ़ा फोल्ड करके मैंने एक इस टाइप की डोरी टाइप की बना ली थी। तो एक दोनों रिंग के मैंने दो साइड पर रिंग धागा बांध दिया था। तो अब मैं दूसरी साइड पे बांधने के लिए धागा लिया मैंने और उसको फोल्ड कर रही हूँ मैं, और फोल्ड करके मैं एक डोरी टाइप का इसको बना लूँगी। 1, 2, 3, 4 दफ़ा फोल्ड कर लिया मैंने। अब इसको यहाँ से तोड़ दूँगी और इसको मैं यहाँ से एक दफ़ा और फोल्ड करके छोटा सा कर लूँगी तो ये हमारी बन जाएगी एक वही डोरी टाइप का। तो दूसरी साइड से भी मैं इसको बांधूंगी और उस रिंग के ऊपर उसको 4 जगह से बांध के एक स्टैंड टाइप का बना लूंगी जिससे हम इसको हैंग कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सक रहे हैं, ये देखें ये बन गया है, इसके ऊपर हैंग होगा, सॉरी ये हैंग होगा किसी चीज़ के ऊपर और इसके ऊपर हम सारा बनाएंगे। तो हमारा रिंग बन के रेडी हो गया है, अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर जो है मैंने उठाया था सुई और उसमें अब डाल रही थी मैं धागा। तो मैंने एक धागा लिया, उसको फोल्ड कर लिया था और उसको डबल धागे को मैंने सुई में डाला। फिर सोचा मैंने सुई में सारे मोती डाल के इस तरीके से फिर सारा इजीली बना लूँगी। तो मैंने अपना सुई धागा लिया, नीचे उसके गिठान बांधी, फिर ये मैंने इसके अंदर डाला सबसे पहले उसको क्या कहते हैं पायल नहीं घुंघरू, उसमें डाला मैंने पहले घुंघरू। उसके बाद फिर जब मैं शेल में डाल रही थी सुई तो सुई जा ही नहीं रही थी, उसमें से जा रही थी दूसरी साइड से निकल ही नहीं रही थी, जो बड़ा गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने क्या किया सुई को निकाल दिया और सिर्फ धागे से मैंने उसके अंदर होल था तो मैंने उसके अंदर धागा डाल के निकाल लिया। फिर मैंने एक गिठान लगा दी ताकि ऊपर नीचे ना हो और यह गिठान जो थी थोड़ी उलझ गई, ऐसा ही हो गई। तो अब मैंने इसके अंदर बीज डालना स्टार्ट करे थे तो ये मैंने एक उठाया छोटा सा वाइट कलर का मोती उठाया और इसको मैंने डाला धागे में, और मेरे साथ जोया भी मेरे साथ हेल्प करवा रही थी, हम दोनों ही मिलके बना रहे थे। तो मैंने जोया को दिया कि ये लो आप इसके अंदर डालो, मैं इसके अंदर डालती हूँ क्योंकि हम दोनों एक में डाल रहे थे मोती। तो फिर वो ना मोती बार बार मुझसे बिगड़ रहा था तो फिर मैंने दोबारा से मोती डालने की कोशिश करी और ये हमारा शायद मोती जो था वो फिर भी नहीं डाला क्योंकि ये मोती डाले ही नहीं रहते, इतनी मुश्किल हो रही थी क्योंकि उनका जो सुराख था बहुत छोटा छोटा सा था। तो यहाँ पे मैंने एक मोती डाल दिया था और वो फिर से फंस गया था और फिर मैंने वो फिर से निकाला, उसके बाद फिर से डाला, फिर से निकाला, फिर से डाला और ये करते करते मुझे सुबह हो गई। तो फाइनली यहाँ पे डल चुका था मेरा मोती। अब इसके बाद फिर मैं आप लोगों को मैंने दूसरा वाला उठाया, मुझे काफ़ी सारे बनाने थी लड़ियाँ इस टाइप की तो फिर मैंने दूसरा वाला उठाया और उसको बना के मैं आपको दिखा रही थी। तो ये मैंने उस पर भी एक मोती डाला और उसको ऐसे करके एक और गिठान लगा दी और ये हमारा रेडी हो गया। वो पहला ही वाला था सॉरी, तो एक हमारा रेडी हो गया था। फिर मैंने दूसरे में भी ऐसा किया कि एक घुंघरू डाला, उसके बाद मैं शेल डाल रही थी, उसके बाद मैंने ये शेल डाल लिया, इसमें देख रही थी कि आवाज़ बचने की आ रही है या नहीं आ रही, तो बहुत स्लो स्लो आ रही थी तो मुझे इतनी ही चाहिए थी, ज़्यादा टीटी टीटी वाली चीज़ नहीं चाहिए थी, उससे फिर नहीं डिस्टर्ब होती है सबकी।
है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था, फिर मैंने गिठान लगा दी थी, तो अब मैं इसमें भी मोती डालने का सोच रही थी। तो मैंने उठाया मोती और अब मैं मोती इसके अंदर डाल रही हूँ। और बहुत ही ईजिली मोती डल गया था क्योंकि मैंने डबल धागे में डाल रही थी। पहले जो मैं फोर्थ धागे को यानी कि डबल और डबल करके चार धागों में डाल रही थी, तो वो डल ले रहा था मोती मुझसे। तो फिर मैंने डबल धागे कर लिए और फिर उसमें मैंने मोती डाला तो चला गया था। उसके बाद फिर मैंने उसमें दोबारा मोती डाला और इसकी गिठान लगा दी। अब मैं दोबारा उसमें तीन चार मोती डालने के बाद फिर उसको फोल्ड करके गिठान लगाऊंगी, तो उससे मेरी एक लड़ी बन जाएगी। ये देख रहे हैं आप, एक मोती जा चुका है अंदर, ये दो मोती हो गए। आगे जैसी लड़ियाँ बढ़ती जाएंगी तो मोती भी बढ़ते जाएंगे उसमें। तो यहाँ पे मैंने दो मोती डाल दी है, अब मैं ये एक और तीसरा मोती डाल रही हूँ उसमें। और ये दो मोती नीचे चले गए और एक मोती ऊपर आ गया। अब उसके अंदर मैं एक और गिठान लगा रही हूँ ताकि एक मोती के बाद थोड़ा वाइट धागा दिखे, फिर उसके ऊपर एक और मोती दिखे। स्टार्टिंग की लड़ियों में ऐसे बना रही थी मैं, और फिर आगे जाके मैं जैसे पांच मोतियाँ एक साथ डाल के फिर उसको गिठान लगा के बना रही, तो वो एक मोटा सा फूल टाइप का बन रहा था। तो आगे मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बराबर बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, उससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करें कि आप लोगों को किस किस चीज़ की वीडियोज़ चाहिए हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताया करें, तो मैं आप लोगों के लिए उन उन चीज़ों की वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैं मोती डालने में लगी हुई हूँ, बातें भी कर रही हूँ और बनाए जा रही हूँ, और बड़ा ही मेहनत का काम था। कोई है, मैंने बनाने बैठ तो गई थी लेकिन बाद में मुझे पता चला भाई मैंने क्या काम पकड़ लिया। एक्चुअली मुझे सोया ने बोला था ये बनाने का, तो मैं उसकी रिक्वेस्ट पे बना रही थी ये चीज़ वेंचम। तो चले, कितना पका रही हूँ मैं यार। ये ना मैंने बहुत इस वीडियो को शॉर्ट किया है, ये वीडियो थी पूरी एक घंटा कुछ मिनट की। मैंने इतना शॉर्ट कर करके आप लोगों के लिए कुछ मिनट्स में लेकर आई हूँ ये वीडियो। तो ये देखिए इस टाइप का बन गया, देखिए एक मोती फिर उस पर स्पेस फिर मोती फिर स्पेस फिर मोती। तो इस तरीके की हम बनाएंगे सारी लड़ियाँ। तो पहले लड़ी में मैंने एक एक मोती डाला था, सेकेंड लड़ी में मैंने दो दो तीन तीन मोती डाले थे। ऐसे लड़ियाँ जब बढ़ती जा रही थी तो मोती भी बढ़ते जा रहे थे। समझ गए होंगे ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए एक ये बन गई, सेकेंड ये बन गई। तो अब हम बना लेंगे सारी ऐसी, और वो मैं आपको दिखाऊँगी नहीं, लास्ट में दिखाऊँगी। तो ये देखिए मैंने ऐसे रेडी कर ली हैं सारी, कितनी अच्छी लग रही है। तो मैंने ये रिंग ले लिया था, इस रिंग पे मैं सोची थी येलो अच्छा नहीं लग रहा, तो इस पर भी मैं ना शेल लगा लूँगी तो उनको इस पर चिपका लूँगी, या फिर कोई वाइट धागा लगा लूँगी। वाइट धागा से अच्छा मैंने सोचा कि इस पर शेल ही लगा लेती हूँ। तो खैर जो हमारी सारी लड़ियाँ बन गई थी, तो इसको मैंने एक एक करके इसके ऊपर गिठान बांधना स्टार्ट करी। सबसे पहले मैंने छोटी वाली बांधी, ये देखी ऐसी लग रही थी। उसके बाद मैंने थोड़ी उससे बड़ी वाली बांधी उसके बराबर में, फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी वाली बांधी, फिर उसके बाद थोड़ी और बड़ी वाली बांधी। तो ये अच्छा सा डिज़ाइन लग रहा था इसका, ये आप देख सकते हैं मैंने चार लड़ियाँ इसमें लगा दी थी। और ये उलझती बहुत है सच में यार, बांधने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। ऐसे कोई पकड़ लेता इसको तो मैं ईज़िली बांध सकती थी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करे जा रही थी कि अच्छे से बन जाए मेरी वीडियो और मेरी ये जो भी है वेंचम वगैरह ये अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको फिर रखा और फिर मैं उससे बड़ी वाली इसके आगे बांधी। मैंने पहले मैंने गिठान लगाई तो मुझे एक चीज़ दिखी कि अरे वाह वो सामने मिरर है, तो मैंने उस मिरर पे इसको हैंग कर दिया और एक एक करके सारी मैंने इस पर बांधी। तो देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है, देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लगी है। अब जो है मैं इसके सेंटर का बना रही हूँ, सेंटर में भी एक लड़ी आएगी तो उसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक मैंने शेल उठाई उसके साइडों पे पूरी UHU लगा देती हूँ। उसके बाद शेल के अंदर मैंने दो तीन बीट्स डाल दिए, अगर कोई घुंघरू वगैरह है तो वो भी मैंने उसके अंदर डाल दिया।
उसके बाद एक और शेल लिया और उसको उसके ऊपर चिपका दिया। और मैंने एक धागा लिया था, उसके मैंने 4 से 5 दफ़ा उसको फोल्ड किया और नीचे गिठान बांधी और वो धागा इसके बीच में रख दिया और इसको चिपका दिया दोनों को, तो वो धागा इसमें यानी कि अंदर बंद हो गया, देख सकते हैं आप लोग। ऐसे ही मैं एक और दफ़ा करूँगी कि एक शेल लूँगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर UHO लगाऊँगी और इसमें कुछ बीट्स डालूँगी। UHO मैं इसके चारों तरफ लगा लूँगी और इसके बाद इसके ऊपर दूसरा शेल रखूँगी, लेकिन शेल के बीच में मैं धागा बीच में स्पेस छोड़ के इसके देखें इस तरीके से रखकर धागा और इसके ऊपर शेल को रखकर इसको चिपका दूँगी और थोड़ी UHO और लगा दूँगी ताकि अच्छे से चिपक जाए। अब ऐसे ही मैं एक और ऊपर भी बनाऊँगी, तो ये दो मैंने बना के दिखा दिए, तीसरा नहीं दिखाऊँगी। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप हमारी वेलचैम, तो अब इसको मैं आपको घुमा के भी दिखाती हूँ। तो अब इसके अब सेंटर में जो है हम लगाएंगे वो जो हमने बनाया था, तो मैंने थोड़ा सुखाने के लिए रख दिया ताकि वो सूख जाए ग्रेवी रहना। बाकी जो इसका रिंग है, रिंग के ऊपर ये देखिए मेरे पास रखे हुए हैं शेल, तो इसके हर तरफ मैं ये इसको शेल को चिपका दूँगी ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे। ये येलो वाला रिंग इसके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा ना, मुझे तो नहीं लग रहा, इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर यहाँ पे शेल लगा देते हैं। तो यहाँ पे शेल के दो साइडों पे मैंने लगाया UHO और इसको ये लगाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार गिर रहा था, अगर नहीं क्या क्या हो रहा था, तो मैंने फिर बहुत कोशिश की, फूक मार मार के इसको लगाने की बहुत कोशिश की और फाइनली ये जो है नहीं लग रहा था, और ये और फूक मारी इसको मैंने तो ये आखिरकार लग गया। फिर मैंने इस पर थोड़ी सी UHO और लगाई ताकि अच्छे से लग जाए, गिर ना जाए वरना पकौड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा लग चुका था, तो ये देखिए माशाल्लाह से इसका लुक कितना अब ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, पहले अच्छी लग रही थी कि अब अच्छी लग रही है। तो इसके बाद जो है जो मैंने 3 जो चिपकाए थे धागे के ऊपर सेंटर की जो लड़ी बनाई थी मैंने, तो ये देखिए लड़ी ऐसी लग रही है और ये लगाऊंगी मैं सेंटर में। तो ये देख रहे हैं आप, इसको मैं बीच में से ले जाकर ऊपर जो धागा है उसके ऊपर बांध दूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ना। तो ये है इसकी फाइनल लुक, आप लोगों को कैसी लगी और कुछ भी थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला हो तो मुझे लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, अपने अजीज़ों के साथ मेरा चैनल ज़रूर शेयर किया करें, मेरी वीडियो ज़रूर शेयर किया करें, उनको सब्सक्राइब का बोला करें। तो मैंने अपने देवर को बोला कि चढ़ के ऊपर लगा दो, तो उसने लगा दी। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे अपनी खास दुआ में याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।